नमस्कार साथियों, राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आईटीआर भरते समय हमें डीडीओ द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म नंबर 16 की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी फॉर्म नंबर 16 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर भरते समय यह फॉर्म नंबर 16 क्यों जरूरी है और इस फॉर्म नंबर 16 में कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्लिक करें सब्सक्राइब के बटन पर और दबाएं बेल के आइकॉन। साथियों, यह है फॉर्म नंबर 16 जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर द्वारा काटे गए टैक्स की डिटेल्स के साथ साथ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे पैन नंबर, टैन नंबर और एड्रेस वगैरह। इसमें लास्ट में यहाँ पर इस हिस्से में आप क्वार्टरली टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स देखते हैं और इस हिस्से में आप देखते हैं कि किस तरह उनका टैक्स किस डेट में जमा हुआ था, वो डिटेल होती है। इसी का नेक्स्ट पेज होता है यहाँ पर। इस पेज पर आपको एम्प्लॉयर के सिग्नेचर वगैरह मिलते हैं। इसके बाद पार्ट बी आता है। पार्ट बी जो होता है उसमें एम्प्लॉई की सैलरी डिटेल्स शो होती हैं। जब भी आप फॉर्म्स 16 की मदद से आईटीआर फिल कर रहे होते हैं तो आपके पास पार्ट ए से ज्यादा जरूरी है पार्ट बी की जानकारी होना, क्योंकि पार्ट ए की जानकारी ऑटोमेटिक 26AS फॉर्म से अपडेट होकर आईटीआर रिटर्न करते समय अपडेट हो जाती है। यहाँ कुछ कॉलम है, पॉइंट वाइज हम इनको समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है ग्रॉस सैलरी का। इसमें कुछ हेड दिए हुए हैं, तो सैलरी एज पर प्रीवियस कंटेंट इन सेक्शन 17। यहाँ पे मेन सैलरी है जो आपको ग्रॉस सैलरी के रूप में प्राप्त हुई है। यहाँ फिर बी और सी के जो कॉलम है इनमें अगर कोई सैलरी होती है तो आती है, और इनमें डी में इनका टोटल होकर आ जाता है। यहाँ पे 0-0 होने की वजह से यहाँ पर सीधा यही इनकम आ गई है। इसके बाद में और कोई इनकम हो तो यहाँ पर आ जाती है। नंबर दो पर कुछ जो अलाउंसेज है वो एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10। तो इस अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो अलाउंसेज एग्जेम्प्ट होते हैं उनकी डिटेल यहाँ की गई है। यहाँ इस साथी की जो डिडक्शन इनको एग्जेम्पशन मिला है वो है एचआरए की 36,725 रुपए, और इसका जो टोटल है वो यहाँ शो होने के बाद में माइनस यहाँ से माइनस होकर जो बच जाती है वो सैलरी यहाँ पर आ जाती है पॉइंट नंबर 3 में। इसके बाद में 4 नंबर का जो पॉइंट है इसमें अंडर सेक्शन 16 के अंदर आने वाले पॉइंट डिडक्शंस की डिटेल होती है। इसमें फर्स्ट डिडक्शन है ए पर जो है वह स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 40,000 रुपए है। इसके अलावा अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंसेज अगर चुकाया गया है तो वो यहाँ पर शो करना है, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3). तो यहाँ इसके बाद में इन दोनों का टोटल मिलाकर यहाँ आ जाता है। अब इसमें से यह राशि घटाने के बाद में यहाँ जो राशि बचती है वो आ जाती है पॉइंट नंबर 6 के सामने, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 में। इसमें अगर कोई इनकम होती है अंडर सेक्शन 192(2)(2)(b) के अंदर तो आप इसको वहां पर लिखते हैं, परंतु यहाँ इनकी कोई इनकम नहीं है इसलिए सीधी यहां से उठकर यहाँ सीधी इनकम आ जाती है। तो अब इनके पास ग्रॉस इनकम हुई पॉइंट नंबर 6 + 8 टोटल करने के बाद में सेम ये की ये है। अब इसके बाद बात आती है पॉइंट नंबर 10 की, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6A। इसमें जो डिडक्शन है वो पॉइंट वाइज शो हो रहे हैं। पहला डिडक्शन है LIC, SI और जनरल इंश्योरेंस का, और भी कोई डिडक्शन अगर हो रहे हैं तो वो यहां पर शो हो जाएंगे। अब इसके बाद में बी कॉलम जो है इसमें आपको डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन पेंशन फंड अंडर सेक्शन
ATCC यानी ATCCC, तो ये जनरली जीरो होता है अगर हमने किसी पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूट किया है। ये रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट प्लान के अंतर्गत आते हैं। इसका जो कॉलम है सी, यहाँ सॉरी गलती से बी लिखा हुआ है, ये सी कॉलम है, इसमें ATCCD1 के अंतर्गत आने वाली एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो कि टैक्स पेयर द्वारा किया गया है, यानी एम्प्लॉई द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन यहां पर शो होता है एनपीएस का। और इस तरह से डी टोटल डिडक्शन इसके अंतर्गत आने वाली ATCCD1 और ATCCD1। इसके बाद में डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड डिपॉजिटेड टू, ये सारी डिटेल यहां पर आ जाती है। इसका अगला हिस्सा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। यहां मैं आपको बता दूं कि एनपीएस की जो कटौती होती है वो एम्प्लॉयर के खाते से होती है, एम्प्लॉय की सैलरी से होती है, उतनी ही राशि एम्प्लॉयर द्वारा भी जमा करवाई जाती है, तो दोनों राशियां अलग अलग रूप में माइनस होती है। एक राशि यहाँ ऊपर हो चुकी होती है जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा 42,246, और यही राशि जो कि एम्प्लॉयर, यहाँ जो राशि डिडक्ट हुई थी वो एम्प्लॉय द्वारा थी और यहाँ जो राशि है वो एम्प्लॉयर द्वारा। इस तरह से टोटल करने के बाद में हमारे पास एग्रीगेट डिडक्टेबल अमाउंट आ जाती है 189,912 रुपए। तो यह अमाउंट आपको बता दे इसमें 2,00,000 तक की छूट मिलती है, 189,000 है। अब यहाँ जो इनकम थी 5,63,459, इसमें से ये माइनस होने के बाद में, ये टोटल डिडक्शन होने के बाद अब एग्रीगेट जो टैक्सेबल इनकम आती है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है पॉइंट नंबर 12 में। इसके बाद इस पे जो टैक्स लग रहा है वो शो हो रहा है, सरचार्ज वगैरह कोई है तो वो है, ये हेल्थ और एजुकेशन सेस है, और टोटल टैक्स पेएबल है 6,425 रुपए, और नेक्स्ट टैक्स पेएबल है अगर कोई रिलीफ मिलती है उसके बाद तो 6,425। अब इन्होंने अगर टैक्स चुकाया होगा इससे पहले तो इसमें से माइनस हो जाएगा और जो राशि इनको रिफंड होनी है वो रिफंड हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा है, अगर कम चुकाया है तो इनका चालान के द्वारा टैक्स जमा हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्म 16। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।